अच्छा जी, वकास असलम है, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई दैट व्हाइल योर इमिग्रेशन कंपनी पोस्ट एड्स ऑल द टाइम बट कम्स टू अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन प्रोग्राम टू कनाडा, व्हेन इट कम्स अप्लाइंग फॉर टू कनाडा थ्रू अ जॉब ऑफर दे आर डिमांडिंग। तो वकास साहब, मैंने तो नहीं कहा कि हम फ्री में कर रहे हैं और ना फ्री में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है भाई। पैसे बिजनेस कंसल्टेंसी करते हैं, फ्री में तो करते नहीं है, पैसे लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्किल जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई ऑन योर ओन फॉर डिफरेंट जॉब्स। आपको जॉब मिल जाएगी, एम्प्लॉयर आपको बुला लेगा, आप चले जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बीच में आए, अगर आप ये चाहते हैं कि हम पूरी चेन जो है वो स्टैब्लिश करें और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर दें, तो ये और ये फ्री में हो, तो मुझे तो नहीं समझ आता कि नो। माई क्वेश्चन इज दैट मीन वाइल देर आर मैनी पी एन पी प्रोग्राम्स और उसमें जो है वो जॉब ऑफर के साथ हैं, तो फिर हम क्यों पैसे ले रहे हैं? IRCC की वेबसाइट ये कहती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैंने तो आपको नहीं रोका भाई। IRCC की गाइडलाइंस जो कहती हैं, आप उनको फॉलो करें और जॉब ढूंढें और अप्लाई करें। एम्प्लॉयर जो है वो आपको ढूंढ रहा है कि आप अप्लाई करें और आपकी इमिग्रेशन हो जाए। तो इसमें इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का तो कोई रोल ही नहीं फिर बनता। आपके पास एक स्किल है, एक एम्प्लॉयर है जिसको आपने ढूंढ लिया कनाडा के अंदर, वो रेडी है कि वो आपको स्पॉन्सर कर दे, तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई करें और चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा जी, वो ये उनका गिला ये है कि हमारे पास, हम पाकिस्तानियों की हेल्प नहीं कर रहे, कि हम उन्हें एम्प्लॉयर नहीं ढूंढ के दे रहे। तो पाकिस्तानियों को थोड़ी सी, यार आप खुद भी तो कुछ करना शुरू करें। आप मतलब अपना CV सीधा करें। आपने अपने CV के ऊपर कितनी मेहनत की है, आपका CV क्या है, उस CV के अंदर आपने क्या लिखा है, ये भी तो आपने करना है। तो आप अपने CV को अलाइन करें, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जो है कितने लोगों ने एंडोर्स किया हुआ है इसके ऊपर आप काम करें। आपके जो सोशल प्रोफाइलिंग है वो कैसी है, आपने कनाडा अप्लाई करना है, आप कनाडा एम्प्लॉयर के, इतनी जॉब्स डेली कनाडा के अंदर अनाउंस होती हैं, आप उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो आपको हायर कर लेता है, तो हमारा तो रोल ही नहीं फिर बीच में रह जाता। हमारा रोल तो सिर्फ ये है कि हम आपका वीजा अप्लाई करवा दें, और वीजा की डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी सीधी नहीं है तो उसे सीधी कर दें और उस केस को प्रोसेस कर दें। हमारा तो कोई रोल नहीं रह जाता, बट आपको एम्प्लॉयर जो है वो खुद ढूंढना पड़ेगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें और आपके लिए ये सारा कुछ अरेंज करें, तो फिर ऑफ कोर्स उसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो अफोर्ड करते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, आप ये ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मैरिड हैं, एक कपल है जो मैरिड है, उनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अब वो कैनेडा जाएं और बच्चों के केस में उन्हें जो है वो अराउंड कोई 4 बच्चे हैं तो $3,000 $3,500 मिलेगा पर मंथ। आप वो भी सारी फैसिलिटीज एंजॉय करें, आप अच्छी जॉब भी एंजॉय करें, आप अच्छा एनवायरनमेंट भी एंजॉय करें, और आप ये कह रहे हैं कि IRCC की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है ये सब कुछ जो है वो हम फ्री में कर दें। तो आई बिलीव मैं और आप एक यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रहते, हम तो रियल वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये सिचुएशन है। आई हैव